सो हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल के फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में। एंड आज के इस व्लॉग में हम रिव्यू करने वाले हैं द ऑल न्यू होंडा शाइन 125 BS6 फेस 2 का। आज के इस व्लॉग में मैं आपको इस बाइक के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि 2023 में आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं इस बाइक में, एंड उन फीचर्स के लिए आपको कितना प्राइस पे करना पड़ता है, ये जो बाइक है वो माइलेज कितना देती है। एंड अगर आप भी एक नई बाइक परचेज करना चाहते हो, आपकी बकेट लिस्ट में भी ये बाइक है एंड थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है इस बाइक से रिलेटेड, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि इस बाइक से रिलेटेड मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। एंड स्पेशल थैंक गोज टू एवीएस होंडा हु हेल्पिंग मी आउट टू मेक दिस वीडियो। आपको होंडा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो शोरूम की जो ऑल डिटेल्स है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही होगी, तो आप डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो या दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट एंड आपको इस बाइक के बारे में सारी जानकारी देते हैं। सो बॉयज, ये हमारी बाइक द ऑल न्यू होंडा शाइन 125 BS6 फेस 2 2023 मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्यूल टैंक पे आपको E20 की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कंपनी ने अब OBD2 सेंसर एंड फ्लेक्स फ्यूल का जो सपोर्ट है वो ऐड कर दिया है, तो अगर आपके शहर में फ्लेक्स फ्यूल अवेलेबल है तो आप उसमें डलवा सकते हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस एंड वेरियंट्स के बारे में। तो बेसिकली कंपनी यहाँ पे आपको दो वेरियंट प्रोवाइड करती है, एक है नॉन डिस्क वेरियंट जो कि अभी आप हमारे सामने देख सकते हो। इसका एक्सोरूम प्राइस है 77,900 रुपीज़ एक्सोरूम रायबरेली, एंड डिस्क वेरियंट के लिए आपको पे करने पड़ते हैं 81,900 रुपीज़ एक्सोरूम रायबरेली। बाकी आप अपने बजट एंड अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो है जो वेरियंट परचेज करना चाहते हो वो कर सकते हो। लुक्स एंड डिजाइन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो बाइक है वो सेम वही लुक में आती है जैसे होंडा शाइन 125 आती थी। यहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, सेम आपको लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, सेम आपको फ्रंट देखने को मिल जाता है। फ्रंट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ब्लैक कलर से पूरी विंडशील्ड देखने को मिल जाती है, यहाँ पे होंडा का स्टीकर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम का पार्ट देखने को मिल जाता है। हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पे कंपनी आपको हैलोजन हेडलैम्प प्रोवाइड करती है जिसका थ्रो एंड विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। वाइजर के साइड पे आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है जो कि रेड एंड ब्लैक एंड सिल्वर कलर में दी गई है, देखने में काफी ज्यादा सही लग रही है। बाकी टर्न सिग्नल्स आपको हैलोजन प्रोवाइड किए जाते हैं एंड ये काफी हद तक फ्लेक्सिबल है, तो अगर आपकी बाइक का क्रैश वगैरह होता है तो ये रुक जाते हैं, टूटते वगैरह नहीं है। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड करती है जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस तो देते ही देते हैं, साथ ही इनका जो मेंटेनेंस वगैरह है वो भी काफी कम रहता है, जिसकी वजह से इस बाइक की जो सर्विस कॉस्ट वगैरह है वो भी काफी कम रहने वाली है। बाकी मडगार्ड आपको पूरा फाइबर का दिया जाता है जो कि ग्लॉस फिनिश पे आता है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं। टायर सेक्शन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कंपनी आप 80x100 सेक्शन का टायर जो है प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 80x100 सेक्शन का टायर फ्रंट पे दिया जाता है, 18 इंच के अलॉय के साथ आता है। एंड रियर की अगर हम बात करें तो रियर में भी आपको जो है 80x100 सेक्शन का ही टायर प्रोवाइड किया जाता है। कहते हैं टायर का जो ब्रांड है वो मैक्सिस मिलने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने वीडियो में बताया था कि भैया यहाँ पे मैक्सिस के टायर ऑफर किए जा रहे हैं, बट जब हमने बाइक परचेज की तो वहाँ पे कोई और ब्रांड के टायर हमें मिले, तो वो यहाँ पे क्या होता है लॉट बाई लॉट जो टायर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस लॉट में मैक्सिस के टायर मिल रहे हैं, हो सकता है दूसरी वीडियो जब मैं बनाऊँ तो उसमें कोई और ब्रांड के टायर हो सकते हैं। बाकी जो अलॉयज हैं वो पूरे आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह को देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर ये जो है वो ड्रम वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको 130mm का फ्रंट में एंड रियर में ड्रम देखने को मिलता है। ब्रेकिंग में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है वो ब्रेकिंग करते वक्त बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है, तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी अब आ जाते हैं इंजन की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अभी काफी खाली खाली एरिया सा लग रहा होगा, तो यहाँ पे कंपनी आपको एक क्रैश गार्ड इंस्टॉल करके देती है जो कि यहाँ पे लग जाता है। सिंगल हॉर्न का सेटअप आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी इधर की तरफ कैटलिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है जिसमें किसी तरह की प्रोटेक्शन शील्ड वगैरह नहीं दी हुई है, तो ये भी एक कॉफ कटिंग की है होंडा ने, ये अगर यहाँ पे शील्ड दे देते तो और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था, प्रोटेक्शन भी बढ़ जाती और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता। अब आ जाते हैं इंजन की तरफ, तो यहाँ पे आपको 123.94 cc का एयर कूल्ड SI इंजन प्रोवाइड किया जाता है जो कि FI टेक्नोलॉजी के साथ आता है। एंड पावर फिगर की अगर हम बात करें तो 10.74 PS का पावर 7500 RPM पर एंड 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6000 RPM पर देखने को मिल जाता है। अब चलाने में कैसा है, रिफाइंड में कैसा है, ये सारी चीज़ें तो हम चलाते वक्त बात करेंगे जब इसका हम राइडिंग रिव्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो मिस ना हो। यहाँ पे तो आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ब्रेक पैडल, और यहाँ पे आपका जो राइडर फुटरेस्ट है वो फिक्स है, मतलब यहाँ पे किसी तरह फोल्डेबल वगैरह नहीं मिलता है, पिलियन वाला आपको फोल्डेबल मिल जाता है। रबर की पैडिंग जो है दोनों पे दी गई है, जो वाइब्रेशन वगैरह आएंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको क्रोम का पार्ट, यहाँ पे आपको 125 की ब्रांडिंग, यहाँ पे इसके टैंक पे होंडा का लोगो, ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं, फिट एंड फिनिश भी बहुत ही सही है, पेंट की क्वालिटी जो है वो भी बहुत बढ़िया है। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 10.5 लीटर की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो प्रोवाइड की जाती है इस बाइक में। एंड माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 65 प्लस का माइलेज, एंड रियल लाइफ में देती भी है, जो लोग शाइन चला रहे हैं उनको पता ही है कि इसका जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। आप अगर ओन कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको हाइस्ट माइलेज इससे कितना अचीव किया है। बाकी इधर की तरफ आपको ब्लैक कलर से पूरा एग्जॉस्ट दिया जाता है जिसपे आपको क्रोम कलर की शील्ड भी प्रोवाइड की जाती है, तो अगर पिलियन वगैरह बैठता है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने
वाली, उसका पैर वगैरह जलने वाला नहीं है। बाकी यहाँ पे ESP पावर स्मार्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है उसका स्टीकर। रियर सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि चेसी माउंट है एंड इनको आप अपने वेट एंड कंफर्ट के हिसाब से जो है एडजस्ट भी कर सकते हो। ग्रैब पैनल पे आपको जो है यहाँ पे शाइन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, नीचे स्टीकर दिए हुए हैं जो कि स्ट्राइप में बनाए गए हैं। यहाँ पे आपको बेहतरीन से ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। रियर टेल सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हैलोजन टेल सेक्शन देखने को मिलता है, हैलोजन टर्न सिग्नल्स, यहाँ पे आपको होंडा का स्टीकर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे नंबर प्लेट का स्टे देखने को मिल जाता है। बाकी एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो साड़ी गार्ड है ये काफी ज्यादा यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। पहले तो आपको पूरा मेटल का मिलता था, अब यहाँ पे मेटल तो दिया ही दिया है, साथ ही यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा फाइबर का पार्ट ऐड किया गया है जिसकी वजह से ये बाइक और भी ज्यादा यूनिक लगती है और भी ज्यादा बेहतरीन लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे पूरी पैक चेन मिल जाती है, यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटर का स्टीकर देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी सही चीज है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी बाइक में कितना प्रेशर रखना चाहिए टायर में तो यहाँ पे आप देख के भरवा सकते हो। साइड स्टैंड की तरफ आएंगे तो साइड स्टैंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ का सेंसर भी देखने को मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप अपनी बाइक चला रहे हो एंड पैनिक सिचुएशन में हो एंड आपने अपना साइड स्टैंड हटाना भूल गए हैं तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। इनकेस अगर आप न्यूट्रल करके स्टार्ट कर लेते हो तो जैसे ही गियर शिफ्ट करोगे बाइक का इंजन अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। तो ये काफी सही सेफ्टी फीचर लगा मुझे, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यहाँ पे टो एंड हील शिफ्टर देखने को मिल जाता है, 4-speed गियरबॉक्स जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो रिफाइनमेंट वगैरह कैसा ये सब हम चलाते वक्त ही बात करेंगे। अब आ जाते हैं इस बाइक की डायमेंशंस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक की सीट हाइट बता देता हूं। तो यहां पे आपको कंपनी 791mm की जो है सिंगल सीट ऑफर करती है। सीट आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा लेंथ है इसकी, कितनी ज्यादा वाइड है। यहां पे जो है इसका बंप वगैरह भी ठीक ठाक रखा गया है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। ज्यादा होता है तो वो पिलियन अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड कम होता है तो राइडर अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो यहां पे कुशनिंग वगैरह भी काफी अच्छी रखी गई है एंड सीट का जो मटेरियल है वो भी बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह करते हैं तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप कर सकते हो। सीट जो है गर्म वगैरह नहीं होगी, ना ही किसी तरह से आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगी। बाकी इसका जो कर वेट है वो है 114 kg। तो सिटी वगैरह में अगर आप चलाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पावर टू वेट रेशियो बहुत ही अच्छा रखा गया है तो सिटी वगैरह में आपको काफी ज्यादा निम्बल फील कराएगी। बाकी हाईवे वगैरह पे लेके जाते हो तो आपको अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी जो है 161 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ये बाइक रूरल एरिया में काफी अच्छे से परफॉर्म करती है। तो गड्ढे वड्ढे अगर आपकी शहर में है या गाँव में है तो उनसे टकराए वकराएगी नहीं, आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं इसके हैंडल बार की तरफ गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको काफी जो है बेहतरीन सा हैंडल बार देखने को मिलता है जो कि सिल्वर कलर में दिया हुआ है, मतलब क्रोम फिनिश पे दिया हुआ है एंड काफी सॉफ्ट है, काफी ज्यादा स्पोर्टी है तो चलाने में और भी ज्यादा मजा आता है। हैंडल माउंट स्विचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पास का स्विच देखने को मिल जाता है जो कि इंटीग्रेटेड है, मतलब यहाँ पे आपको हाई बीम बीसी से करनी है, पास बीसी से करना है तो ये भी काफी सही चीज है, मतलब यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा स्विच आपको देखने को नहीं मिलता है। और टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड जो है इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है। तो होंडा ने एक स्विच से तीन काम किए हैं, ऊपर रहेगा तो इंजन किल हो जाएगा, बीच में रहेगा तो इंजन ऑन हो जाएगा एंड यहाँ नीचे करेंगे तो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। थ्रॉटल वायर आपको डुअल वाला देखने को मिलता है तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी आपको काफी सही होने वाला है, मतलब यहाँ पे आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा होंडा की तरफ से, आपकी रिस्ट वगैरह में जो है ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ने वाला है। की अगर हम बात करें तो की आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है, काफी सिंपल सी है, यहाँ पे कोई भी वेव की वगैरह का ऑप्शन नहीं आपको दिया जाता है। मीटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है काफी ओल्ड स्कूल टाइप मीटर कंसोल प्रोवाइड किया जाता है होंडा की तरफ से इस बाइक में। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स की लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको जो है लो बीम एंड हाई बीम, यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे न्यूट्रल, साइड स्टैंड वार्निंग लाइट भी आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। एक सेकेंड, यहाँ देख सकते हैं साइड स्टैंड वार्निंग लाइट मिल जाती है, यहाँ पे इंजन चेक लाइट। तो इतने ही फीचर्स आपको जो है इस बाइक में प्रोवाइड किए जाते हैं मीटर कंसोल में, मतलब फीचर्स बहुत ही बेसिक से हैं। अगर आपको ज़्यादा फीचर्स की नीड है तो आप जो है डायरेक्टली इसकी होंडा SP125 के साथ जा सकते हो जहाँ पे आपको मीटर कंसोल वगैरह और भी ज़्यादा हाईटेक मिल जाता है और भी ज़्यादा फीचर आपको मिल जाते हैं। अभी फटाफट से करते हैं इस बाइक को जो है क्रैंक अप एंड इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं। सुबह इस बाइक से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी कवर कर दी है, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो या मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में या मेरा फिर इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो डिस्प्ले पे आ रहा होगा तो वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। एंड होप करता हूँ मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इस बाइक से रिलेटेड इस वीडियो में वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह फटाफट से मिलते रहे एंड हमको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड आर, राइड सेफ।